नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। हम आज बनाएंगे सिंघाड़े के आटे से पकौड़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। पकौड़े के लिए लेंगे सिंघाड़े का आटा, हम इसमें 1 कप लिए हैं सिंघाड़े का आटा। हाफ चम्मच लेंगे जीरा, अदरक लेंगे 1 चम्मच ली है, इसको किस लिए हैं, धनिया पत्ती और ये हरी मिर्च लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं, छोटे छोटे पीसों में हम काट लिए हैं। इसमें हम कच्चा आलू लिए हैं, इसको हम बारीक काट लिए हैं, मिक्स करेंगे। नमक डाल देंगे, अपने टेस्ट के अनुसार लें, मिक्स करेंगे। हम इसमें 1 नींबू लेंगे, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, घोल तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा घोल तैयार हो गया है, इससे पतला नहीं करना है। इसमें हम 1 कप पानी लिए थे, 2 चम्मच पानी बच गया है और इसमें हम 1 कप सिंघाड़े का आटा लिए हैं, 2 मीडियम साइज का आलू लिए थे, 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं। ये देखिए हमारा घोल परफेक्ट है। ये देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है और इसमें हम डाल दिए हैं घी, गरम हो जाने देंगे। ये देखिए हमारी कढ़ाई गरम हो गई है। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, इसको पलट देंगे। इसको हम स्लो में पका लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसमें हम सेंधा नमक लिए हैं, व्रत के लिए बना रहे हैं। ये देखिए पकौड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे।
इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह हम पकौड़े तैयार कर लेंगे।